मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी, होंडा कार्स इंडिया, रेनो निसान और स्कोडा जैसी कार निर्माताओं ने मई जून माह में कुछ समय तक के लिए अपने प्रोडक्शन प्लांट को बंद करने का फैसला लिया है। ऑटो सेक्टर में भारी गिरावट आई है। मांग में तेजी से कमी के कारण कारों और दोपहिया वाहनों का स्टॉक भरा पड़ा है। मजबूरन कंपनी को प्रोडक्शन बंद करना पड़ रहा है। $5 बिलियन यानी कि लगभग 35 करोड़ रुपए के लगभग 5 लाख से अधिक चार पहिया गाड़ियां डीलर के यहां स्टॉक में पड़ी हैं, जो जून के पहले सप्ताह से अभी तक नहीं बेच पाई हैं। दोपहिया वाहनों में भी $2.5 मिलियन यानी कि करीब 17 करोड़ रुपए के स्टॉक पड़े हुए हैं। विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्शन बंद होने से ओवरऑल 20 से 25% ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोड्यूशन में कमी आ गई है। पिछले साल अप्रैल के मुकाबले इस वर्ष की बिक्री में जो कमी आई है, उसमें अगर मारुति कार की बिक्री देखी जाए तो 20% की कमी देखी गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 8% की कमी आई है और टाटा में 26% की कमी के साथ अशोक लीलैंड में 10% की कमी आई है। अरविंद सुब्रमण्यम, भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार, ने अपने रिसर्च पेपर के आधार पर ये दावा किया है कि भारत की GDP 2011-12 से 2016-17 तक जो बताई गई है, वो वास्तविकता में 2.5% तक कम है। यानी भारत की ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ इस दौरान मात्र 4.5% ही है। इनके रिसर्च पेपर को हार्वर्ड ने छापा है। तो जिस वर्ल्ड इमर्जिंग इकोनॉमी का हम दंभ भरते हैं, वो भी खोखला साबित हो रहा है। कुछ दिन पहले ही 2019 के पहले तिमाही में 5.6% GDP ग्रोथ के साथ ही वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा हम खो चुके हैं। चीन 6.4% ग्रोथ के साथ पहले नंबर पर आ गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.